प्राची देसाई ने किया सेक्सिस्ट मूवी को अलविदा। कहा सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि मैं हॉट बनकर काम करूं। आइए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट। प्राची देसाई ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी और उसके बाद उन्होंने मूवी में काम करने का बड़ा सपना देखा। प्राची देसाई ने बहुत सारी मूवीज में काम भी किया है, लेकिन उनको सारी मूवीज में खुद को हॉट बना के ही अपना किरदार निभाना था, चाहे वो मूवी में कोई भी किरदार हो या आइटम सॉन्ग हो। वंस अपॉन ए टाइम फिल्म से लेकर आवारी आइटम सॉन्ग तक उन्होंने हॉट बनकर ही काम किया है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि इस बारे में बात करते हुए प्राची ने कहा, मैं कभी भी ऐसी फिल्म में काम करना चाहती थी जो सेक्सिस्ट हो, और इसी इंडस्ट्री में मैंने इस धरना से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। लोग चाहते हैं कि मैं हॉट बन जाऊं, इसलिए मैंने काम कम करना चुना और इससे दूर रहने का फैसला किया। मैंने बहुत सारे बिग फिल्म्स को ना कहा है क्योंकि वो फिल्म सेक्सिस्ट थी। आपको बता दें, प्राची एक विलन के गाने आवारी सॉन्ग शूट करने के लिए तैयार नहीं थी। प्राची को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हॉट कपड़े पहन के शूट करना। फिर एकता कपूर ने प्राची को समझाया और शूट के लिए प्राची को तैयार किया, और साथ ही में प्राची ने कहा, मैं ऐसे रोल्स को इनकार कर दिया करती हूं। इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरा नेगेटिव इमेज बन गया है। आपको बता दें कि इस वजह से प्राची देसाई को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि प्राची देसाई ने नेपोटिज्म के बारे में कहा, सारी इंडस्ट्रीज टारगेट से बाहर आती ही नहीं है। इट्स ऑल इन द फैमिली, दिस व्हाट दे डू इट, इट्स ऑल बिजनेस, एवरीबॉडी लाइव्स इन मुंबई एंड देयर किड्स बिकम स्टार। हाल ही में प्राची देसाई ने मनोज बाजपेयी के साथ साइलेंस कैन यू हियर इट मूवी में काम किया था। इस मूवी में प्राची ने एक कॉप का किरदार निभाया था और अब वो कोश मूवी में दिखाई देंगी। प्राची देसाई ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल कसम से की थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली मूवी 2008 में रॉक ऑन आई थी। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।